स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले कॉपर प्लेट और जिंक प्लेट चाहिए होंगी। 3 कॉपर प्लेट चाहिए और 3 जिंक प्लेट चाहिए, तो ही आपकी लेमन बैटरी बनेगी। और आपको वायर चाहिए, देखिए वायर चाहिए। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जो कॉपर प्लेट होती है उससे एलईडी लाइट के प्लस यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन से ही कनेक्ट करिएगा, और जिंक प्लेट को नेगेटिव साइड से, वरना अगर आपने उल्टा उसका कर दिया, अपोजिट कर दिया, तो आपकी लाइट नहीं जलेगी। तो इस बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको अपनी 4 कॉपर प्लेट्स को ऐसे कनेक्ट करना है, और जो 2 6 हैं टोटल, लेकिन जो उनमें से 2 कॉपर, एक कॉपर और एक जिंक प्लेट है, उनको आपको एलईडी लाइट से कनेक्ट करना है, इसलिए उनको ऐसे कनेक्ट नहीं करना। तो आपको 4 प्लेट्स को ऐसे कनेक्ट करना है। तो अब मैं आपको सारी प्लेट्स को कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे कनेक्ट करना है। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैं पोटैटो बैटरी बनाया है, तो वो भी देख लीजिएगा, और ड्राइंग रोबोट बनाया है वो भी देख लेना, जिस फिर आपको ये और इजी पड़ेंगे। और आप है ना, ये कॉपर प्लेट और जिंक प्लेट कोई से भी इलेक्ट्रीशियन शॉप से खरीद सकते हैं, ये आपको वहाँ इजीली मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमने अब कनेक्ट कर लिया, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लगाना है फ्रेंड्स। तो देखिए हमारे ये कनेक्ट हो चुके हैं, देखिए हमारे ये कनेक्ट हो चुके हैं, हमें ऐसे ही कनेक्ट करना होगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनको कैसे लगाना है, एलईडी से कैसे कनेक्ट करना है। अब हमारी पोटैटो बैटरी कुछ ही देर में बनने वाली है, सॉरी लेमन बैटरी, वो मैंने पिछले वीडियो में पोटैटो बैटरी बनाया था, इसलिए मुझसे वायर से गलती हो गई। फ्रेंड सबसे पहले आपको अपने कॉपर प्लेट को ऐसे वायर से ऐसे करना है, देखिए ऐसे। अब मैं आपको दिखाता हूँ एलईडी से कनेक्ट करके फ्रेंड्स। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि कॉपर प्लेट को हमेशा पॉजिटिव साइड से ही कनेक्ट करना है, वरना एलईडी लाइट नहीं जलेगी। सो फ्रेंड्स देखिए अब ये हमारी बन गई लेमन बैटरी। ये बहुत इजी है, इसे आप बनाइए। बंद हो गई, टच करने से ही जल रही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर इस